हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। छह महीने बाद खुला जोधपुर का मेहरानगढ़, दुर्ग सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, पर्यटकों के बैग को यूवी किरणों से किया कीटाणु मुक्त। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण भारत एवं राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार गत 22 मार्च से बंद मेहरानगढ़ दुर्ग को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। इस दौरान पर्यटकों व दुर्ग स्टाफ को कोरोना से बचाने के लिए कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के निदेशक कुंवर करनी सिंह जसोल ने बताया कि कोरोना के चलते पिछले 6 माह से बंद पड़ा मेहरानगढ़ गुरुवार से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। मेहरानगढ़ बंद होने से जोधपुर का पर्यटन उद्योग लगभग ठप हो गया था। देशी विदेशी पर्यटक अब कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार दुर्ग का भ्रमण कर रहे हैं। इसमें पर्यटकों के आने से लेकर भ्रमण तक कई पाबंदियां लगाई गई हैं। पर्यटकों को ऑडियो रिकॉर्डर नहीं दिया जा रहा है। वहीं 1 घंटे में सिर्फ 75 सैलानियों को प्रवेश दिया जा रहा है। इसमें एक दिन में सिर्फ 6 घंटे तक दुर्ग को देखा जा सकता है। ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन टिकटों की भी व्यवस्था की गई है। पार्किंग स्थल में भी पर्यटकों के लिए अलग व्यवस्था तय की गई है। गाड़ी पार्क होते ही उन्हें एक रास्ते से जयपोल के बाहर लाया जा रहा है। इसके साथ ही पर्यटकों के बैग को यूवी किरणों से कीटाणु मुक्त किया जा रहा है। तापमान थर्मल स्कैनर से जांचने और सैनिटाइज करने के बाद उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। बता दें कि हर साल करीब 11 लाख देशी विदेशी पर्यटक जोधपुर आते हैं। कोरोना के कारण मेहरानगढ़, जसवंत थड़ा, उम्मेद भवन पैलेस, संग्रहालय पर्यटकों के लिए 22 मार्च से बंद है। ऐसे में मेहरानगढ़ खुलने से पिछले करीब 6.25 माह से आर्थिक रूप से परेशान हजारों परिवार के लिए फिर से रोजगार के नए द्वार भी खुल जाएंगे। इससे न सिर्फ पर्यटन से जुड़े व्यवसायियों को राहत पहुंचेगी, वरन पर्यटन व्यवसाय से जुड़े छोटे व्यापारियों को पुनः रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जोधपुर का ऐतिहासिक दुर्ग मेहरानगढ़, जो पिछले 6 महीनों से लॉकडाउन सिचुएशन में था कोरोना के कारण, वो कल 1 अक्टूबर 2020 को विजिटर्स के लिए पुनः खोला जा रहा है। इस खोलने की प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है सेफ्टी, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, इसका प्रकोप उतना है। तो जो भी ऐतिहासिक कदम है, चाहे वो ऑनलाइन टिकटिंग का सिस्टम हो या फिर टाइम टिकटिंग का सिस्टम हो, टाइम टिकटिंग यानी 1 घंटे में 75 टिकट ही बिकेंगे, और इससे क्या होगा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो रूल है वो अच्छी तरह से पालन हो सकता है। अगर हम 1 ही घंटे में 100-200 लोगों को अलाउ कर देंगे तो फिर वो जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं चल सकता है। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट।